हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल रब्दी महर, और मैं हूँ प्रिया। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत सही होंगे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे को लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। मैंने जैसे बोला था कि अगर एक पर्सन को भी हेल्प मिलेगी आई वुड बी ग्रेटफुल। सो मैं आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पर बच्चों को टेक केयर करने की गाइडलाइंस क्या हैं। और सो अगेन मैं अपने पिछली वीडियो में भी मैं अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा डिवाइड करती हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। सो अगेन मैंने पॉइंट्स अपने लिखे हैं। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप लंदन में अराइव होते हो, और ये सिर्फ किड्स के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी, आपको NHS में रजिस्टर करना पड़ता है। NHS इज़ यहाँ का नेशनल हेल्थ सिस्टम, जो कि आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको वहाँ पे अपना रजिस्टर करके आपको एक नंबर देंगे, जो कि आपका लाइफ लॉन्ग वही नंबर से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री उसी नंबर से आपको मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी आइए, इन्फेंट के साथ आइए, बच्चे के साथ आइए, अपने लिए भी आप वो रजिस्ट्रेशन बुक कीजिए। सेकेंड, जैसे ही आप बुक करते हैं, आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, आपकी भी और आपके बच्चे की भी। तो जैसे मैंने और मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट एक हफ्ते बाद की उन्होंने बुक कर दी थी। लाइक रेगुलर चेक, BP चेक और आपका यूरिन टेस्ट, या कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, इस तरह से वो आपको चेक करते हैं सब लोग। और हमारे साथ क्या था कि इन्फेंट है हमारी बेटी, तो वो घर पर आए थे बेटी को देखने। तो दिस इज़ द मेन एजेंडा ऑफ टूडेज वीडियो, कि जब वो घर आए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हमारे घर में, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए फॉर अ बेटर हेल्थ ऑफ आर बेबी। सो चलिए आज मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊँगी वन बाई वन। सो सबसे पहले है, इंडिया में हमारे पास WHO की रिकमेंडेशन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से, ये मेरी इंडिया की बेबी की वैक्सीनेशन बुक है, जैसे कि सारा यहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी कब लगी वैक्सीनेशन, अब नेक्स्ट ड्यू कब है, कौन से मंथ पे ड्यू है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो ये देखेंगे। और यहाँ पर वो आपको एक रेड बुक बोलते हैं, इसको रेड बुक बोलते हैं, दिस इज़ पर्सनल चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड, जिसमें अगेन आपका सारा बेबी का नाम और ये सब होगा, ठीक है, उसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन लग चुकी है ये सब होगा, इम्यूनाइजेशन सिस्टम। और हर वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर उन्होंने नोट बनाया हुआ है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। सो दिस इज़ द बुक जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी होती है, जब भी आप उसको वैक्सीनेशन लगवाने जाएं। 3 साल तक यहाँ पे वैक्सीनेशन लगती है, तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो लास्ट वैक्सीनेशन होती है आपकी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो बेबी को बुक्स रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लाइब्रेरीज भी लोकल है, आपकी हर एरिया की लोकल लाइब्रेरी है, आप वहाँ पर जाके बुक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आप फ्री बुक्स ले सकते हैं, बट आपको रिटर्न करनी होती है ऑब्वियसली। बट बच्चों का क्या होता है, इन्फेंट्स का एक सेट होता है जो कि आपको रिटर्न नहीं करना होता, क्योंकि बच्चों के साथ यू कांट गारंटी कि बच्चा फाड़ देगा बुक्स या कैसे, तो वो एक आपको सेट देते हैं। बच्चा समझेगा नहीं उसमें लिखा क्या है, दिस इज़ जस्ट द हाई डेफिनेशन बुक्स। मैं आपको एक बुक उसमें से दिखाती हूँ, जैसे ये बुक है, आप देखिए कि कितनी क्लियर पिक्चर्स है। ये जस्ट इसलिए कि बच्चा कलर से अट्रैक्ट हो, जब बच्चा रोए तो इस तरह से अट्रैक्ट हो। जो मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो है ये, यू कैन सी मिरर मिरर ऑन द वॉल। सो इस तरह से ये डिज़ाइन की गई है कि बच्चा आपका अट्रैक्ट कर पाए, बच्चा जो है इंटरेक्ट करे, बच्चा कलर्स के साथ फैमिलियर हो इस तरह से। सो ये बहुत उन्होंने रिकमेंड की, तो हम लेके आए लाइब्रेरी में जाके। आप अपने बच्चे को साथ लेके जा सकते हो या फिर अकेले जा सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि हमारा बच्चा जो है वो इन्फेंट है, हमें ये बुक्स चाहिए। उसके बाद अब आती है पर्सनल ग्रोथ की बातें जो उन्होंने हमें बताई। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि वो बच्चे को ऐसे करते हैं, दिस इज़ लाइक अ क्वेश्चन आयर, ओके। सो उसमें आपका एक्टिविटीज़ लाइक
ओरल एक्टिविटीज़, आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, आपका बच्चा सेंस क्या करता है, आपका इंट्रैक्शन क्या है बच्चे के साथ, तो वो आपको इट्स लाइक जैसे यस ओके समटाइम्स नॉट येट, तो वो इस तरह से आपके बच्चे को ग्रे एरिया में डालते हैं। जैसे कि अगर मार्क्स कम है तो वो ग्रे एरिया में आ जाएगा, अगर बहुत ही एक्टिविटीज़ नहीं है, तो हमारे बेटी के साथ क्या था कि ग्रे एरिया में थी, जैसे दो तीन एक्टिविटीज़ नहीं थी, जैसे अभी ये खड़ी नहीं हो पाती है प्रॉपर खुद से बिना सहारे के, या फिर खड़ी है तो ऐसे बेंड करके कोई चीज़ लेनी है या नहीं, वो नहीं अभी वो ले पाती है, तो इस वजह से। तो अगर आपका बच्चा ग्रे एरिया में आ रहा है तो वो जस्ट आपको फ़ोन पे एक मंथ के बाद हर मंथ आपको वो करेंगे कि आपका बच्चा अब एक्टिविटी कैसी है, उस टाइम पे आपके इतने मार्क्स थे, अब आप कैसे वो करते हो कि आपका बच्चा कितना फर्दर इम्प्रूव किया है, दिस इज़ फॉर दैट। और अगर बहुत ही लो मार्क्स आए हैं, जैसे एक्टिविटीज़ नहीं है, तो फिर दे हैव देयर सेंटर्स जहाँ पे आप बच्चों को लेके जा सकते हो, वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, वो जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो बच्चा आपका एक्टिव हो सकता है। ओके और एक और चीज़ जो उन्होंने आके की, उन्होंने मेरे बेबी के हील से जो है, जो फुट की हील होती है, वहाँ से एक ब्लड सैंपल लिया। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत रेयर एक डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ होता है, जो कि वो इनिशियल स्टेज पे ही चेक कर लेते हैं कि बच्चे में है या नहीं, उसको क्योर कैसे करें, सो वो दैट इज़ अ मस्ट, वो करते ही करते हैं। उसके बाद है बेबी एक्टिविटीज़, उन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो कि हमें पता भी होती है, हम फॉलो भी करते हैं, कि बच्चे को आप मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे आप उसको फ्लोर टाइम दीजिए। उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना रिड़ना सीखेगा, क्रॉलिंग करना सीखेगा, बट उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब वो खुद की बॉडी को खुद संभालता है। क्योंकि आपको क्या होता है कि मैट्रेसेस जो होते हैं, जो आपके गद्दे होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो बच्चा उसमें इजीली कंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है, बट जब आप उसको फ्लोर टाइमिंग देते हो तो बच्चा जो है अपने सहारे पे उठने की कोशिश करता है। तो फ्लोर टाइम इज़ अ मस्ट, जो कि आपको हर बच्चे को देना ही है अपने बच्चे के लिए, आपको कम से कम 2 या 3 घंटे, अगर हम आधा घंटा भी उसको फ्लोर पे बिठा देते तो हमें लगता है आज का काम हो गया, बट ऐसा नहीं, उन्होंने भी बोला कि 2 to 3 hours आपको बच्चे को फ्लोर पे बिठाना ही बिठाना है, दैट इज़ अ मस्ट थिंग। फोर्थ चीज़ जो है बेबी स्लीपिंग, बेबी स्लीपिंग में मैं दो चीज़ें कवर करूँगी, एक तो बेबी स्लीपिंग एंड बेबी स्लीपिंग टेम्परेचर। सो यहाँ पर जो है NHS की गाइडलाइन है, आप अपने बच्चे को अपने बेड पर नहीं सुला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे केसेस हुए सडन डेथ डिमाइस, कभी बाजू मार दिया, कभी कुछ कर दिया, बट इंडिया में हमारा मोस्टली कल्चर यही है कि हम अपने साथ ही बच्चे को सुला, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, यू कांट स्लीप विद योर चिल्ड्रन, आपको बच्चे को अलग ही बेबी कोट देना है या कुछ भी, आपको अपने साथ नहीं सुलाना है बच्चे को। तो जब वो हमारे घर आए, उन्होंने चेक करा, एंड थैंकफुली तब हमें आए हुए 3 ही हफ्ते हुए थे, और हमें ये चीज़ पता थी कि हमें बच्चे को अपने साथ नहीं सुला सकते, तो हमने क्या किया था, ज़रूरी नहीं कि आपको न्यू ही परचेज करना है, यहाँ पर फेसबुक कम्युनिटीज़ होती हैं, फेसबुक पर पेज होते हैं जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। हमने क्या किया हुआ था कि बहुत टॉयज़ रखे हुए थे, ऐसा होता ना हमें कि बच्चे का बेड पूरा सजा के रखना है, बट उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट मना करा कि यू कांट कीप टॉयज़, क्योंकि बच्चा कभी भी कुछ सोते सोते पकड़ ले या खेल ले, मुंह में डाल ले, तो यू कॉन्ट गारंटी बच्चे की एक्टिविटी को, तो वो आपको स्ट्रिक्टली हटाना है। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने हमें बोली कि बच्चे को आपको नीचे साइड सुलाना है, ताकि जो उसका पिछला एरिया है, हैंडल है, जो बच्चा क्या करता है कि बच्चे को आदत होती है कभी पीछे जाने की, कभी आगे आने की, तो बच्चा कहीं सिर ना अपना मार ले, तो बच्चे के आपकी फीट जो है वो इधर साइड लगने चाहिए, बच्चे को मिडल में सुलाइए, ना कि थोड़ा ऊपर। हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बिल्कुल पीछे सोते हैं बेड की ढो पे, सो ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे को मिडल में सुलाना है। ओके सो नेक्स्ट थिंग इज बेबी स्लीपिंग टेम्परेचर। तो उन्होंने पूछा कि जब आप सोते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनली हीटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, सो हम अंदर का टेम्परेचर भी ऐसे करते थे 24, 25, 23, बट यहाँ पे जो गाइडलाइन है दैट इज 16 to 21, 22 मैक्स, और वैसे 16 to 20 ही बोलते हैं बच्चे को सुलाने का, क्योंकि एक तो आपका बच्चा उठेगा नहीं, ठीक है, बार बार सोते हुए, सेकेंड उसको एकदम से पसीना नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा हमेशा बोल नहीं पाता है कि वो कैसा फील कर रहा है, कैसा नहीं फील कर रहा है, तो
उसको पसीना नहीं आएगा और वो शांति से सो सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट है वो है बेबी हाइजीन। ओके, सो बेबी हाइजीन में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैसे ही आपके बेबी के टीथ आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उन्होंने हमसे, उस टाइम पे मेरी बेबी के 2 टीथ थे, तो इंडिया में या फिर हम नेचुरली हम सोचते कि अभी तो 2 ही तो दांत आए हैं, अभी क्या ब्रश करना है। उन्होंने भी स्ट्रिक्टली हमें बोला कि ब्रश तो आपको करना ही है, तो हम ये जाके छोटा सा ब्रश लेके आए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पूरा घिसो, आप जस्ट ऐसे से थोड़ा सा वो कर सकते हो। दिस आर लाइक मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के लिए अलग से पेस्ट आती है, ठीक है, ये जैसे इंडिया में बोलते हैं दूध के दांत, तो यहाँ पर भी इंग्लिश में दूध के दांत है बट वो मिल्क टीथ है। सो ये आपको मस्ट है, जैसे आपको एक दांत भी अगर आ जाए तो आपको ब्रश करना है, क्योंकि कैविटी नहीं होगी उससे। और हमारी हैबिट होती है कि थोड़ी दर्द हो तो हम शहद लगा देते हैं, स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि शहद से क्या होता है कि जर्म्स आपके आएंगे, तो जब आप यहाँ पे शहद लगाते हो भी उसके दांत भी नहीं है, वहाँ पे ब्रश भी नहीं कर सकते हो, तो वो कैविटी जमती जाएगी और शहद कितना थिक होता है, तो उन्होंने हमें मना करा कि आप शहद मत लगाइए। नेक्स्ट इज बेबी फूड। उन्होंने हमें ये बताया कि मैंने मतलब उनसे एक क्वेश्चन किया कि मेरी बेटी बॉटल नहीं इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि फीड पे ही है, मैं उसको दूध की बॉटल पे लाती हूँ तो वो नहीं लेती है दूध की बॉटल। तो उन्होंने बोला कि वाई टू इंट्रोड्यूस बॉटल, कि जब आपका बच्चा 6 मंथ के बाद थोड़ा सा सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया तो बॉटल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर ले रहा है बॉटल इट इज़ गुड, अगर नहीं ले रहा है सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, कि इट्स ओके, क्योंकि बच्चे को कई बार हम आदत डाल देते हैं निप्पल्स लगाने की या कुछ, तो अवॉइड कीजिए अगर वो आदत नहीं लग रही। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कब बताया, इससे यहाँ पर डॉयजी कब बोलते हैं, ठीक है, DOIDY। सो ये अगर आप देखिए ऐसे कर्व में बना हुआ है कि बच्चे को पूरा ऐसे मुँह नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे करके, ये ऐसे कर्व में है, तो बच्चा जब भी पानी पिएगा या कुछ पिएगा तो वो इजीली उसमें पी सकता है। सो डोंट वरी अगर आपका बच्चा जो है वो ओवरफीड नहीं ले रहा, बॉटल नहीं ले रहा, आप उसको और अल्टरनेटिव पिलाइए। उन्होंने बोला कि आप थोड़ी सी खीर खिला सकते हो बना के, ताकि उसके अंदर दूध जाए। आफ्टर 1 ईयर उन्होंने बोला कि आप प्रॉपर जो हमारे मिल्क आते हैं मार्केट में, जो हम जिसकी चाय पीते हैं, या फिर यहाँ पर क्या होता है बॉटल मिल्क आते हैं, जैसे इंडिया में भी हमारे पैकेट्स आते हैं अमूल, मदर डेरी और डिफरेंट ब्रांड्स के, तो आप आफ्टर 1 ईयर आप उसको प्रॉपर वो वाला दूध भी पिला सकते हो, बट 6 मंथ और 1 ईयर के बीच में जब आपका बच्चा है तो आप उसको जो है अपना ओवरफीड पिलाइए जो आपका आता है, या फिर अगर आपको वो वाला मिल्क पिलाना है तो किसी फॉर्म में पिलाइए, जैसे खीर बना दी, पोरिज बना दिया, सूजी का कुछ बना दिया, उसमें आप पिला सकते हो, बट डायरेक्ट आप वो वाला मिल्क नहीं पिला सकते। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, एक बार तो वो आपके घर आते हैं, उसके बाद वो आपकी वीडियो अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप वीडियो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो तो आप वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करिए, अगर आप जा सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका बच्चा वो फेस टू फेस देख सकते हैं। सो हमने वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करी थी क्योंकि उन्होंने हमें वीकडेज में कॉन्टेक्ट किया था। सो उसमें फिर से वो बच्चे को एनालाइज करते हैं और हमें उन्होंने पहले ही ये ऑनलाइन, क्योंकि हमने वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करी थी तो उन्होंने हमें ऑनलाइन ये पहले ही भेज दिया था, तो हमसे पूछ रहे थे कि जैसे डज योर बेबी पास अ टॉय बैक फ्रॉम वन हैंड टू अनदर लाइक दिस, ऐसे तो आपको ड्रॉ है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपका येस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपके मार्क्स होंगे, अगर आप वहाँ जाओगे तो वो फेस टू फेस खुद देखेंगे, बट वीडियो में भी वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बीच बीच में वो रैंडमली हमें बोल रहे थे कि दिखाइए आप एक्टिविटीज़ दिखाइए, नोटिस ही नहीं किया था कि बच्चा ऐसे खिलौना एक हाथ से दूसरे हाथ में करेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बट हमें लगा जब हमने देखा तो ओके हाँ अब ये करने लग गया, पहले ये करते ही नहीं थे क्योंकि हमने पहले कभी उसको बोला ही नहीं कि ये करो आप। सो मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ गो एंड स्पेंड टाइम विद योर बेबी, जब भी आपको टाइम लग रहा है उसके साथ धूप में बैठिए, खेलिए, पार्क में जाइए, इससे बच्चा बहुत एक्टिव होगा। सो या मेरे ये पॉइंट्स हैं और आई होप कि आपको ये हेल्प मिलेगी इस पॉइंट्स को पढ़ के। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है कि ऐसा कैसे होता है, मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं या फिर इसका कुछ रिप्लेसमेंट बताइए, सो आप मुझे DM करना,
आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी, हमारा सेम चैनल है रब दी महर, और अगर इसे सर्च ना हो तो पंजाबी इन यूके, हम हमें सर्च करके मुझे डीएम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने डीएम करा है, सो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँ। सो या ऑन दैट नॉट आई एम सेइंग गुड बाय, और अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे एक आइकन आता है और बेल आइकन आता है, प्लीज़ इसको प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय।